वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर से हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखें और इसकी जो फाइल होगी वो भी आपसे शेयर की जाएगी, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रोडक्ट ए हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट। जो उसका प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 8 रुपीज पर यूनिट। अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज द 50%। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 50% एंड रिक्वायर्स 4 मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस। एंड प्रोडक्ट बी हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 रुपीज पर यूनिट। अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 40% एंड रिक्वायर्स 5 मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस। इफ कॉन्स्टेंट इज मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस देन विच वन ऑफ दी बोथ प्रोडक्ट अ कंपनी शुड प्रोड्यूस एंड सेल। यानी कि कौन सी एक जो है वो प्रोडक्ट जो है कंपनी को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए और सेल करना चाहिए। सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल वर्किंग्स। अब आपको अपनी सुटेबल वर्किंग्स के साथ आंसर शो करना है। उसके बाद है, डिफाइन द टर्म कैपेसिटी एंड वॉल्यूम इन बजटिंग। जो कैपेसिटी और वॉल्यूम की टर्म है बजटिंग में वो डिफाइन करनी है। उसके बाद है, कंपनी इज कंसिडरिंग पब्लिशिंग अ लिमिटेड एडिशन बुक बाउंड इन स्पेशल लेदर। एक कंपनी कंसिडर कर रही है पब्लिश करना लिमिटेड एडिशन बुक जो कि बाउंड है स्पेशल लेदर में। इट हैज इन स्टॉक द लेदर बाउट some year ago for 1000 to buy an equivalent quantity how would cost 2000. The company has no plans to use the leather for other purposes although it has considered the possibilities of using it to cover desk furnishings in replacement for other material which could cost rupees 900 of selling it if a buyer could be found. What should be the opportunity cost? अब इसमें opportunity cost जो है वो मालूम करनी होगी। उसके बाद following information is available for preparing the direct budget, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। अब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड है इसमें 10 वर्कर्स। वर्क परफॉर्मेंस है 160 आवर्स। रेट है इसमें 40 पर आवर। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस 2400 यूनिट बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन। यानी कि कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड अमाउंट जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का प्रोड्यूस करने के लिए 2400 यूनिट्स बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ब्रेक इवन चार्ट इज द यूजफुल टेक्निक। ब्रेक इवन चार्ट होता है जिसका जो एक यूजफुल टेक्निक है शोइंग करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिट। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन चार्ट को। उसके बाद है, ब्रीफली डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल बजट। ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करनी है जो इंपॉर्टेंस है मटेरियल बजट की वो। उसके बाद है, गैरेट कंपनी सेल्स हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर वन आइटम इट सेल्स इन अ स्मॉल टेबल डेट सेल्स फॉर 30 रुपीज पर यूनिट। द वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द टेबल इंक्लूडिंग प्रोडक्ट एंड शिपिंग कॉस्ट आर द 18 रुपीज पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी आर वो कितनी है 60,000। अज्यूम द टेबल आर द ओनली प्रोडक्ट द कंपनी सेल्स दिस ईयर एंड ड्रॉ अ CVP ग्राफ टू रिप्रेजेंट द कंपनी सेल्स एंड एक्सपेंसेस। फ्रॉम दिस ग्राफ कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट। यानी कि इस जो ग्राफ है उससे आपने कंप्यूट करना है अप्रोक्सीमेट ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी और यूनिट्स में भी। उसके बाद XYZ कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड 14,000 units फॉर प्रोडक्शन। XYZ कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया 14,000 units जो है प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में द कंपनी हैज 5,600 units इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस। जो बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस उसमें 5,600 unit है एंड 4,000 units इन the ending work in process. So required क्या है, calculate units transfer out and equivalent units of production for conversion cost by using weighted average cost method. और उसके अलावा ये भी चीज है कि शो करना है अपने complete working को भी, ये नहीं कि सिर्फ लिख देना answer. उसके बाद है, फिर write down the advantages of zero based budgeting and list any 5 advantages लिखने zero based budgeting के और enlist करने सिर्फ कोई भी 5 को। उसके बाद equivalent unit weighted average material वेटेड एवरेज मेथड न्यूमेरिकल ये भी आ सकता है आपका। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर बजट रिलेटेड न्यूमेरिकल ये भी आ सकता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और उसकी प्रिपरेशन इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्रेक इवन यूनिट एंड ब्रेक इवन रुपीज रिलेटेड न्यूमेरिकल। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट, इन दोनों के दरमियान फर्क यानी बताना होगा। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल कॉस्ट सॉरी बजट बजट है ये कॉस्ट नहीं। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का। उसके बाद है राइट डाउन द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट। जो एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्स बजट की प्रिपरेशन को। उसके बाद है फिर कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस 3600 यूनिट बाय कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन डेटा वाज गिवन फॉर द क्वेश्चन। अब आपको डेटा दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने जो है वो कैलकुलेट करना होगा।
उसके बाद है डेटा वाज गिवन फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी डेटा जो है वो दिया जाएगा, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे। इफ बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज अदर इनकम, अगर बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू को जो है वो ट्रीट किया जाता है अदर इनकम के तौर पे, व्हाट वुड बी दी ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। तो इसका डेटा दिया जाएगा और आपने निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। Using the average cost method, what is the cost per equivalent unit of materials? Data was given for this question. अब average method, average cost method का इस्तेमाल करते हुए what is the cost per equivalent unit of material निकालनी होगी और data जो है वो दिया जाएगा इस question में भी। Analyze the various sections of the cost of production report. अब analyze करना है various sections जो है cost of production report के, also give brief explanation of these. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है कैलकुलेट एक्टिविटी एंड कैपेसिटी रेशियोस एंड आल्सो मेंशन दैट व्हाट वेदर ओके दीज आर फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये फेवरेबल है या नहीं। उसके बाद है फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ टेबुलर स्टेटमेंट, आपको रिक्वायर्ड होगा प्रेजेंट करना टेबुलर स्टेटमेंट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द डिक्लाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओवर फोर क्वार्टर्स यूजिंग गिवन यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। डेटा वाज गिवन फॉर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी डेटा दिया जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन वी मेक डिफरेंस बिटवीन द फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में, ये आपने बताना होगा। उसके बाद है फिर इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट ये भी आ सकता है। उसके बाद एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कॉस्ट ये भी आ सकता है। उसके बाद है प्रोडक्शन बजट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दी वेरियस सेक्शंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है उसके वेरियस सेक्शन। उसके बाद प्रिपेयर क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल प्रिपेयर करने के लिए आ सकता है। उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट पर कॉस्ट, नाउ दी संक कॉस्ट विद डेफिनेशन इन एग्जाम्पल, यानी संक कॉस्ट की डेफिनेशन और साथ में उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट, ये भी आ सकता है। और फिर है मेक सेल्स बजट वैल्यूज वर गिविंग, सेल्स बजट बनाना होगा और वैल्यूज आपको दी जाएंगी। एंड कैश बजट वैल्यूज वर गिविंग, कैश बजट भी बनाना होगा और उसकी वैल्यूज दी जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प के साथ। एंड सन कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट, सन कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट के बारे में बताना होगा। उसके बाद है फ्लेक्सिबल बजट रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आ सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में भी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो ये भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अलावा भी बहुत से दूसरे कोर्सेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी दूसरा एजुकेशनल मटेरियल्स चैनल के ऊपर अपलोड किया जा रहा है, उन तमाम मटेरियल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।